Okay, we'll start. Yesterday we have done Mamba and Peter story. Then we're starting on land. Today we'll start with the land use. एक मिनट पहले मैं तुम्हारा अटेंडेंस ले लेती हूँ, बीच में एक दो बार ले लूंगी। ओके, लैंड यूज लैंड यूज लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। आपको सब ये सब मालूम है कि नहीं? Yes, ma'am. Everybody knows this, that on the land we do all this activity. This is commonly termed as land use. Can you list out the different ways in which Mambas and Peters family use their land? This also we have studied. Mamba used our land for agriculture and Peter used for keeping their sheep. हाँ सुब्रा बोलो। For keeping their sheep. अरे keeper keeping their sheep is Peter. हाँ and processing the wool. The use of land is determined by physical factors such as topography. Soil topography means local climate. ठीक है? Factors such as topography. सुब्रा जी आपने homework करा? Yes, ma'am. Very good. By physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. अब मुझे बताओ तुम में से अबनी, देवना और ये जो नए तीन बच्चे खुशी त्यागी, ये जो तीन लड़कियां नई आई हैं, whose drawing is very good? मैम अबनी। Who can draw well? अबनी, are you good at drawing? आपका माइक तो ऑन करो तभी तो आपको सुनाई देगा। यस मैम। अबनी आर यू गुड एट ड्राइंग? मैम थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे काम बच्चा चाहिए क्योंकि आर्ट इंटीग्रेशन हमारा हर चीज में है। नेवर माइंड। और ये लड़की कौन है अबनी के बगल में, कौन है वो? ये हु इज दिस इसका नाम है देवना श्रीवास्तव। एक वो लड़की थी वो कहाँ चली गई श्रीवास्तव? येलो ड्रेस पहनी थी खुशी त्यागी। खुशी त्यागी कैमरा खोलो, बाहर आओ, लेट मी सी यू। आई डू नॉट नो यू फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू। अपनी आर यू गुड? अच्छा आर यू देवना, हाउ गुड यू आर एक ड्रॉइंग? यस आई नो यू कैन मेक खुशी शो योर फेस टू मी। हाँ खुशी, हाउ गुड एट यू आर गुड पेंटिंग, ड्रॉइंग एंड पेंटिंग? यू कैन मेक, नेवर माइंड। मैं ये पहला वाला ड्रॉइंग, ये देखो पेज नंबर। मैम हर माइक इज ऑफ। कहा किसका? मैम नाइस। ओके सी विल डू, खुशी विल डू। यस मैम। पेज नंबर 11 में देखो ड्रॉइंग है, फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड यूजिंग। यू विल बी एबल टू ड्रॉ? फाइल तो रह गया स्कूल में। आई वॉन्टेड टू गिव यू सम वर्क, नेवर माइंड आई विल गेट इट। आई विल गिव यू सम एनवायरमेंटल साइंस में आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। लास्ट ईयर यू पीपल हैव मेड? Yes, ma'am. ये वाला खुशी लिख रही है पेज नंबर 11। ओके ओके खुशी, एक चार्ट पेपर में चार बनाना है, दैट इज कॉल्ड लैंड यूज। चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम, चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। समझ में आया आपको?
नीचे लिखा हुआ उसके नीचे फिगर 2.2 नहीं लिखना है, खाली लिखना है चेंज इन लैंड यू लैंड यूज ओवर टाइम, ऊपर लिखना है चार्ट के ऊपर में हेडिंग। खुशी डिड यू अंडरस्टैंड दैट? यस मैम। ओके सो खुशी इज डूइंग दिस, आई विल गो ऑन गिविंग वर्क टू यू, ठीक है? ओके मैम। ओके नहीं, आई हैव गिवन यू, आई विल गिव इट टू अदर्स सो दैट दे कैन मेक चार्ट पेपर्स सो दैट वी कैन, तुम्हारा वो जो है पोर्टफोलियो वगैरह उसमें काम आएगा। ओके, ह्यूमन फैक्टर्स, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। कैसे, आदमी कितना, पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, यूपी है और कहाँ कहाँ है वहां पर बहुत पॉपुलेशन है बिकॉज लैंड इज वेरी क्लटर्ड। वो ये लड़की को, ये लड़का, आई वॉन्टेड टू देवना श्रीवास्तव, ये खुशी त्यागी यह है, अग्नि मीना हुआ है। देवना हाउ गुड आर यू एट पेंटिंग? मैम आई थिंक वेरी गुड। ओके आई विल गिव यू सम वन। ये देवना श्रीवास्तव में फोटो अलग है, उधर अलग है, ये येलो ड्रेस में देवना है, ये yes, भाई क्या है, फेस अलग अलग है। मैम मेरी डीपी में है येलो ड्रेस, नहीं ठीक है पर समझ में नहीं आ रहा ना, वो डिफरेंट टाइप लग रहा है आप इधर। देवना आई विल गिव यू सम वर्क आल्सो, ओके? कंजर्वेशन ऑफ, नहीं यहाँ पे चलो, लैंड कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। एक तो जमीन जो है प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है। कैसे पब्लिक? अपने स्कूल का प्ले ग्राउंड वो प्राइवेट है कि पब्लिक है, कौन बताएगा? पब्लिक क्या मैम, जो सेंट्रल पार्क है वो पब्लिक है, गेल के अंदर जो बच्चे सब रहते सब खेलते थे वहाँ पे। नॉट इवन आवर स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो दे आर नॉट अलाउड टू प्ले आफ्टर द स्कूल आवर। हमारा स्कूल का प्ले ग्राउंड तुम यूज नहीं कर सकते, पहले सेंट्रल स्कूल के बच्चे खेलते थे, अभी तो टोटली प्रोहिबिटेड प्रिंसिपल सर की रेस्ट्रिक्शन, इट इज प्राइवेट। लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, कम्युनिटी नॉट पब्लिक। कम्युनिटी लैंड मतलब ये गेल कम्युनिटी का जो हमारे पास प्ले ग्राउंड है वो प्ले ग्राउंड गेल के लिए यूज करते, गेल में जो लोग रहते बड़े लोग भी बच्चे लोग भी सब यूज करते खेलते। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाई द कम्युनिटी और कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ वाटर, ये तो बाहर कलेक्शन ऑफ वाटर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल मेडिसिनल आर्ट। आप जब नाइन्थ क्लास में जाओगे ना, अभी तो नहीं वो खत्म हो गया, चैप्टर खत्म कर दिया, जो आम आम मैदान पड़ा रहता है खुला वहां पे कोई भी जाके लकड़ी इकट्ठा कर सकता है, कोई बेर इकट्ठा कर सकता है, कोई कुछ जो भी वहां मिलता है कर सकता है। बेर की पेड़ तो कहीं भी उगता उगता है तो बेर लगते हैं उसमें तो सब जाके तोड़ते हैं। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन सेइंग दैट, मैं बाद में दूंगी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देन पॉइंट टू, नहीं, पीपुल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इधर बहुत अच्छा है जमीन, जैसे उत्तर प्रदेश में इन द प्लेन्स ऑफ गंगा बहुत फर्टाइल, बहुत अच्छा, झूठ मूठ में बीज फेंक दो सचमुच में उग के फल देने लगेगा, और कहीं कहीं बहुत बेकार जमीन है, पथरीले कंकरीले, कोई काम नहीं होता, कितना खोदो कितना तैयार करो कुछ नहीं हो बनता उसमें। The quality of land also differs from place to place. Do you agree with this? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. 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 तो ऐसे इफ यू आर ऑडिबल टू ऑडिबल, इफ आई एम ऑडिबल टू यू, यू शुड ऑल्सो बी ऑडिबल टू मी।
housing complexes, people started encroaching the common lands to build up commercial areas. अतिक्रमण कर लेते हैं कुछ लोग, चुपके से, मतलब चुपके से नहीं, छीन लेते हैं और घेर लेते हैं उस जगह को दूसरे की जगह, सरकारी जमीन के ऊपर भी घर बना देते हैं। फिर थोड़े दिन बाद सरकार को पता चलता है इधर हमारा चुपका पूरा तोड़ देता है। द क्वालिटी, ये क्वालिटी ऑफ नहीं है, कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज एंड एक्सपांड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरिया, और अपना खेती बाड़ी की जमीन भी कर लेते हैं। इधर पीछे ही एनक्रोच कर रखा गया के पीछे, और उसे मूंगफली बो रहा है एक आदमी, वो जो बड़ा एरिया। टूडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सो ये तो पहाड़ में होता है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब जमीन की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है, उपजाऊता, उर्वरता। Reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and constructional activity. आजकल तो खेती बाड़ी जमीन को खत्म करके वहां सब खेत बना रहे। जेपी कॉलेज के पीछे देखो कितना बड़ा बिल्डिंग आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो खेती बाड़ी की जमीन है, पूरा बिल्डिंग बना है। रिसोर्स, देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस मस्ट बी चेक्ड। एफॉरेस्टेशन, व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? जंगल को उगाना, जंगल को पालना पोसना, जंगल बनाना, उसको सुरक्षा करना। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन तुम जानते हो कैसा? मुंबई शहर जो है वो एक जगह नहीं है, सात आईलैंड को मिला के, आईलैंड जानते हो, पहाड़ को तोड़ के लैंड को, पानी को धकेल दिया पीछे और जमीन ले ली समुद्र से, इसीलिए तो एक बार डूब गया पूरा मुंबई, पूरा पानी बारिश समुद्र चढ़ाया था उसके ऊपर, जो समुद्र की जो लेवल है उसको पानी पीछे धकेल दिया। सेवन आइलैंड मिला के मुंबई बना है, और कलकत्ता जो है बना है मार्सी लैंड पे, इसलिए मच्छर ही मच्छर वहां पनपते रहते हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है मार्सी लैंड, मछलियों की स्मेल भी आती रहती है। अब मछली खाएंगे तो मछली का स्मेल है, तो सुंगी थी हम, मेरे फैमिली का मेंबर आ रहता है ना इसलिए तो कोई बात नहीं, वो मछली खाते तो मछली की बात आ रही तो क्या हुआ, उनके लिए खाना है तो बात आ रही तो मत सुंगो, कपड़ा ऐसा लगा दो ऐसा मास्क फिर जाओ, ऐसा नहीं बोला। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, जो मन इच्छा जमीन पे खेत में डाल रहे हैं पेस्टिसाइड, केमिकल दवाई छिड़क दे रहे बार बार, खाद डाल दे रहे बार बार, तो जमीन की उपजाऊता खत्म। तुम जितना खाना खाते हो सबको दो रोटी तुम्हारा खुराक हो, और तुम चार खाओगे तो तुम जिंदा रहोगे? आए दिन पेट की बीमारी होगी कि नहीं होगी? पचा नहीं पाओगे चार रोटी, दो ही तो खा सकते हो। Are some of the common methods used to conserve land? और checks on overgrazing, गाय लोग खाते हैं, हाथी क्या करता पता है? हाथी तो जितना सूंड में उखाड़ सकता है उखाड़ता है, बाकी अपने पाँव के नाखून में घास को जड़ से उखाड़ देता है, गोल गोल गोला बना के खाता है, और टोनों में घास खाता है वो। तो जमीन अगर नंगा हो गया, घास जो है हमारे फील्ड में देखो नीलम भैया रोज पानी डालता है, क्यों डालता है? ताकि घास सूखे ना और मिट्टी वहां से उड़े ना, जो फुटबॉल फील्ड है ना पीछे, बास्केटबॉल फील्ड के पीछे बड़ा सा, उसको सभी जगह में सभी जगह पानी डालता है रोज। देखो यहाँ पे तुम्हारा आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड पहाड़ों में होता है, इधर इसको पढ़ना है। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रीज, डेब्री मतलब कचड़ा, डेब्रीज और अर्थ डाउन स्लोप, मिट्टी धस के नीचे आता है एक साथ और पूरा रास्ता को ब्लॉक कर देता है, बहुत रिस्की है। हिमाचल प्रदेश में हम लोग गए थे देखने, चंबा गए थे, खजियार गए थे, और रास्ते में जो पहाड़ था ना, एक भी पेड़ नहीं, एक पेड़ में बहुत मोटा पत्थर अटका हुआ है, जिस दिन वो खिसका पूरी पहाड़ के गिर जाएगा। और बारिश हो रही थी तो छत जैसा बना उसके नीचे,
एक घोड़े, मम्मी घोड़ा और उसका बेटा खड़े थे दोनों, तो दूध पी रहा छोटा सा बच्चा, हमने देखा। ए प्रॉब्लम देखो, फ्लड्स अर्थक्वेक नहीं, दे ओपन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक फ्लड्स एंड वोल्केनो। टेल मी वन थिंग, एवरीबॉडी विल पार्टिसिपेट, न्यू चिल्ड्रन एंड ओल्ड स्टूडेंट, सब सब बताएंगे। एक बात बताओ कि आप कब गिर जाते हो? ऐसे अगर आपको किसी ने धक्का दे देगा तो क्या होगा? हम गिर जाएंगे, तुम्हारे सामने कोई है तो उसके ऊपर भी गिर सकते हो। यस मैम। अगर तुम अकेले गिर जाओ तो तुम्हारे घुटनों में, कोहनी में, हाथ में कहीं भी चोट लग सकती है। यस मैम। जो है अर्थक्वेक जो है, फ्लड जो है, ये पुश कर देता है, ऐसा ऐसा ट्रेमर होता है, ट्रेमर। तुम लोगों ने कभी, मैं तो दो दो बार अर्थक्वेक देखा, बिस्तर में सो के ऐसे हिल रहा है जैसे कोई झूला झूला रहा है, तुम ट्रेन जैसा ऐसी फीलिंग आ रही, तो उसमें क्या होगा? वो वाइब्रेशन होगा, वो वाइब्रेशन ऊपर तक जाएगा तो उसमें से मिट्टी नीचे धसेगा। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ए प्रॉब्लम स्पेल ऑफ रेनफॉल, अगर लंबा बारिश होती रही तो भी मिट्टी गिरेगा, घर की दीवारें भी ढह जाती है, मिट्टी कच्चा मकान। द प्रॉब्लम स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हेवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। अगर नदी के ऊपर, नदी बाढ़ में छोटी छोटी नदी होती है, उसके ऊपर गिर गया, इधर पानी बढ़ गया, उधर पानी बढ़ गया, दोनों तरफ पानी बढ़ गया, डैम टाइप बन जाता है। द प्रोक्लेमेशन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट्स डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। बर्स्टिंग मतलब जब जब बादल शुरू होता है, क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, बादल फटना उसको बोलते हैं। ऐसा बारिश होता है, क्या बताऊं, जो 15 अगस्त पिछले साल नहीं, उसने पिछले साल में कौन सा यार था, कितनी बारिश हुई थी, हम लोग 15 अगस्त मनाने जा भी नहीं पाए एडीएम बिल्डिंग। यस मैम। याद है स्कूल में मनाया था? यस मैम। क्या बारिश थी रे भाई, हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा पूरा दिन हो रहा, छुट्टी नहीं दे रहा बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग स्पेल ऑफ रेन इन द हिली तराई लैंडस्लाइड। ये चिड़ियालू बहुत बहुत मास है, तुमको पता है हमारे पढ़ाई के लिए में चुर्र कर रहे, देखो ये सुनाई दे रहा है, बाहर बैठी बात कर, रात को 3 बजे 2:30 बजे चालू हो जाते बात करना, एक बार चेक करना, चिर 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 चिर, ये देखो बात कर रहे, देखो ये रात को सोने नहीं देते, बात करते पूरा जगाते रहते, सुनाई दे रहा हूँ क्या बात? यस मैम। यस मैम। इतने बदमाश है, देखो बहुत बदमाश चिड़िया लोग है, बग टू द सेटल, अभी मैं पढ़ा रही हूँ अभी अल्लाह कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बस्टिंग इन द हिली तराई लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ओपन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई ए पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न। अगर उसी वक्त कोई ट्रक जा रहा है, कोई बस जा रहा है, पूरी मिट्टी उसी के ऊपर और बस नदी के अंदर हाई में, बेचारे आदमी जो बैठे वो भी मरे और मिट्टी पूरा पड़ा हुआ, डेबरी, डेबरी को मलवा बोलते, मलवा उसको, उसको साफ करने में टाइम लग रहा है। एक केस स्टडी मतलब एक सच्ची कहानी है इसके बारे में, क्या लिख रही है शोभा सुब्रा, सुब्रा क्या लिख रही थी है? पूछकर से नहीं, तुम्हें से येलो पेन में लिख रहे, बार बार में देख रही है। देखो एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना, कहानी नहीं है। अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज नियर रेकोंगपियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये कौन से, ये सब जो नाम अंडरपंड लिखा हुआ है कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। एंड डैमेज्ड 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। हमारी देश का नेशनल हाईवे कितना? 22। इतना टाइम क्यों लेना, ये पूरी क्लास सो रहा है, इतना टाइम नहीं लेना है, जहां मैं रुक गई वहीं आपको बोलना, और एक बच्चा क्लास में आंसर नहीं देगा, एवरीबॉडी हैज टू पार्टिसिपेट। भैया मुझे भी तकलीफ होता है कि नहीं होता, एक बोलता कोई बोल नहीं रहा, मैं ही बोली जा रही। ये कौन सा चीज हम पढ़ रहे हैं अभी? केस स्टडी। किसके? मैंने पढ़ाने से पहले यहाँ
लैंडस्लाइड की, लैंडस्लाइड किसकी पार्ट, जो बुक में लिखा हुआ नहीं, जो मैंने बोला वो बताओ। मैं तुमको 1000 चीजें बताऊंगी और तुमको एक भी नहीं पूछूंगी क्या? कल तुमने नमूना दे दिया, क्या तुम पढ़ के आए थे? आइंदा ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं करना मेरे क्लास में, ध्यान रखो। यू आर इन ए सीनियर क्लास, फिर मैं नहीं तो मना कर दूंगी, मुझे 9th में मत देना, फिर तो मैं रिटायर ही कर जाऊंगी। इसलिए मुझे बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंडस्लाइड या कुए के क्या है ये? तो नेचुरल डिजास्टर, ये डिजास्टर मैनेजमेंट की कहानी हम पढ़ रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और सचमुच का एक कहानी घटना ऐसा हुआ हिमाचल प्रदेश में जिसका जिक्र यहाँ कर रहे हैं, वो याद रहेगा? यस मैम, यस मैम। इससे क्वेश्चन भी आएगा और इसमें प्रोजेक्ट भी मिलेगा तुमको। हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज्ड 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग ऑफ पंगी विलेज। Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed. एक मिनट, पानी पी। You must keep a bottle of water along with you and keep sipping. You don't have to ask me. Anyway, you have not been asking. मेरे को पूछना पड़ेगा, because I am reading, I am explaining. पानी रखना चाहिए, पानी पियो सिप कर करके। It is hot, tremendously hot. मैं बताती हूँ कितना temperature. Okay, ma'am. Forty one Celsius. समझते हो? 41 कितना temperature होता है? बहुत भयंकर है ये. Yes, ma'am. एक अनमोली यस मैम बोलती, चाहे समझे नहीं सोचे, बाकी सब चुप, डेफ एंड डम। ओनली आधी ध्यान से सुनो, आंसर भी दो। यस मैम। वीडियो ऑफ कर देता अपने आप को, ताकि मैं देख नहीं पाऊं। मुझे तो अच्छा लगता है। जैनुल कहाँ चला गया भाई? हीरो है ही नहीं क्लास में, नहीं है मालूम है, भग गया हो, उसका अटेंडेंस भी नहीं आया, गया वो, जाने दो। ओके, कहाँ थे हम? हाँ, नियर बाय दीपांगी विलेज वाज कंप्लीटली वैकेटेड। पूरी गांव खाली किया सरकार ने, खाली करवाई ये नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग। एंड डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेजेस, दीपांगी विलेज वाज कंप्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और पूछूंगी भी, और आपको इसके ऊपर काम भी करना है। मिटिगेशन मैकेनिज्म, मिटिगेशन मतलब इसको सही कैसे किया, ये जो पहाड़ गिर गया, धस गया, धस गया और पूरा गांव खाली करना पड़े, कैसे हुआ? एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड्स and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslide are included. Broad मतलब ऐसा line दिया है, ऐसा points दिया है, ये करने से हम बच सकते हैं, ठीक है? Hazard mapping locates areas prone to landslides, hence such areas can be avoided for building settlements. जहाँ पे सरकार ने बता दिया इधर कोई मकान नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ से landslide होएगा, यहाँ की ऐसा जमीन जो है बहुत कच्चा है, तो वहां घर मत बना। आज तो आदमी कोई बात को नहीं मानता है, सीधा पता है तुम्हारे, मेरे ताई जी की मायके जो है, ताई जी की जो मम्मी पापा का घर था वो बांग्लादेश में था, और पूरी गांव, पूरी शहर नुआखाली नदी के अंदर है। इट इज नो मोर ऑन द मैप। नेशनल मूवमेंट के टाइम में गांधी जी वहां गए थे, तब तक तो ताई जी लोग सब कोलकाता आ गए थे घर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। दे ऑल स्टडीड इन कलकत्ता ओनली,
बट उनके फादर वहां वकील थे, वो प्रैक्टिस करते थे। पूरी गांव तो नहीं, नोआखली एक शहर है, वो पूरा पद्मा नदी, पद्मा यानी गंगा, पूरी नदी के अंदर, नदी खा गई उस शहर को। आज इट इज नॉट ऑन द मैप, यही लैंडस्लाइड की जगह, ये पूरा मिट्टी धसता गया धसता गया, एन एंटायर शहर कम इन साइड दिस थिंग, दिस इज ट्रू। और सरकार ने मना करा कि यहाँ पे कोई घर नहीं बनाएगा, तो भी लोगों ने ऐसे जगह में जाके बनाते हैं, और फिर नदी नदी खा जाती है, कुछ भी होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड कंफ्लिक्टिंग, ऐसे पहाड़ों में तुम जाओगे घूमने, बहुत इधर भी बनाया गुना जाने के टाइम में, पहाड़ धंसे ना, पहाड़ को काट दिया इन्होंने, वैसे रास्ता बनाया, फिर ऐसे बड़ा बड़ा पत्थर लेके उसको उसको बांध बना दिया, वॉल बना दिया, वॉल ताकि मैंने देखा था। यस मैम, अरे गुना जाते वक्त है, और हिमालय में गुना जाते हैं बीच में रास्ते में पड़ता है। हाँ हिमालय में भी देखो, हिमालय में बहुत जगह में, और पूरा बांध दिया है हिमालय को थोड़ा थोड़ा नीचे से, बारिश तो होती ना ज्यादा पहाड़ में, बारिश होगी तो पानी तेज बहता है, धंसा के ले जाता, अब उसको पक्का कर दिया पूरा। तो भी होता है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह जहां कुछ नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल, रिटेंशन मतलब उसको रोकने का, इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर इन इज एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट। ये बताओ क्यों बोलते हैं पेड़ लगाओ, बहुत सारे पेड़ लगाओ क्यों बोलते हैं? फ्लड आ जाएगा, नहीं लग रहा, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, मैं चिल्ला रही, रागा बोलो मैम, वरना फिर फ्लड आ जाएगा, जो पेड़ की जो जड़ें होती है। नहीं नहीं नहीं, हाँ पेड़ का, मैम पेड़ की जड़ जमीन को बांध कर रखती है, पेड़ का जड़ पकड़ के रखता मिट्टी को, उसको धुलना नामुमकिन है, पर फिर भी कभी कभी धुल जाता है। पेड़ जितना लगा हुआ जमीन इतना मजबूत होगा। पेड़ की जड़ें, एक बार मेरा सहजन की पेड़ इतना मोटा, उसका जड़ निकला जितना मोटा उसका तना है, पानी नहीं जाने दे रहा है वहां, सार लोग जो बैरा के साथ उनके घर में पानी नहीं जा रहा, पाइपलाइन को पूरा पूरा ढक रखा, इतना मोटा हो गया वो। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर इन एन इज एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, उसको रोकने के लिए, अरेस्ट करने के लिए रोकने। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स आर इंप्लीमेंटेड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलोंग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। स्प्रिंग मतलब झरना भी बहेगा ना, तुम जानते हो स्लो एंड स्टेडी विद द रेस, जो पानी टपकता ना, पानी धीरे धीरे बहता है, वो पत्थर को काट देता है, पानी पत्थर को काट देता है। कैसे? पानी गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है, फिर पत्थर गिरता जाता है, पत्थर भी तो मिट्टी से ही बना है। पानी कुएं में, पनघट में जो पानी भरने जाते हैं, वहां मटका रख के पानी भरते हैं, मटके के दाग आ जाता है, रस्सी में पानी खींचते हैं, पत्थर में दाग आ जाता है। निशान तुम लोग कहाँ देखा, तुम तो नल खोलते हो तो पानी आता है। मैं, मैं देखा। क्या वो आपने मटके की बोला था मैम, मैं हाँ देखा है। यस मैम, देखो गांव का आदमी हो, देखा सब। एक बार अनिल सी, अनिल सी तो पानी नदी में नहाता है, पार्वती देवी मैम पानी नहीं है अभी, अभी नहीं जब होता है मैम एक बार। वो तुम्हारा भाई है ना, क्या नाम, संजीव, खूब नहाता था वो। मैम कभी नहाता हूँ, संजीव खूब ये पार्वती नदी ना घूम के इसके गांव में जा रहा है, अनिल सी ऐसे यहाँ से ऐसे घूम के जा रहा है ऐसे, उसमें अनिल सी का गांव आता है पार्वती, पानी पूरा सूख गया उसने, पैसा ना दिए, इधर भी सूखा उधर भी सूखा। यस मैम, तो आए सेंटीग्रेड, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा क्लास ले रही होती स्कूल में, फिर उसके बाद आती 41 में आदमी तो मर जाएगा, 21 से 41
भरे दोपहर में 41 हो गया टेम्परेचर। भगवान बहुत कृपालु भाई। सोयल द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोयल। आ गया दूसरा चार्ट बनाने की बारी। एक तो अभी अपनी ली, खुशी तुमने ली, खुशी खुशी चली गई। और ये कौन है, ये इधर क्या, देवना श्रीवास्तव। देवना यस मैम, आपको दे दिया काम बेटा? नो मैम। ओके, पेज नंबर 13 में देखो ये यस सोयल प्रोफाइल। यस मैम। ये ग्रेनी सब्सटेंस, फिर इसमें हंस रहा है, स्माइल दे रहा है, फिर घास उग रहा है, ये सोयल प्रोफाइल। ठीक है, ये आप बनाएंगे और उसके साथ बनाने के बड़ा सा बनाएंगे, फिर आप इसको कितना अच्छी तरह से लिखेंगे सोयल प्रोफाइल के बारे में, फिर देखना। ठीक है, सोयल प्रोफाइल की डेफिनेशन भी लिखनी है, सब लिखना है। सोयल प्रोफाइल पहले बनाना, फिर उसके बाद बनाना। यस मैम। ओके, फैक्टर्स ऑफ लॉ, चलो। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोयल। व्हाट इज सोयल, अगर डिफाइन सोयल बोलेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोयल। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। लैंड फॉर्म्स डिटरमिन द टाइप ऑफ सोयल। जमीन कैसा है, पहाड़ी है, क्लेई है, कीचड़ी है, क्या क्लेई तो कीचड़ी, कीचड़ी कीचड़ वाला, और काला है, भूरा है, तो कैसा है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा लैंड का क्वालिटी क्या है। हमारे उधर तो ऐसा लाल मिट्टी है, ऐसे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, अरे वो चिपचिपा रहता है, उसको लेकर धुरमुस करते हैं जमीन पर डाल के, उसका नाम बोल रही हूँ, जो भी है बाद में बताऊंगी, याद आएगा। तो लाल जो है ना चिपचिपा वाला मिट्टी, उसको लेके पानी में खूब धोते हैं, धोने के बाद लाल कलर बाल्टी में आ गया पानी में, और बाकी वो कंकड़ पत्थर निकाल के फेंक दिया, उसको क्या करते हैं, उसमें अपना घर लिखते हैं, लाल काला सफेद, आदिवासी में बहुत बढ़िया। मैंने भी लिख रखा है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। टाइप ऑफ सोयल, सोयल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक, बहुत चिपचिपा, उसको धुरमुस करके गाय के उधर, गाय लोग जहाँ बांधते हैं ना वहां पे, देख लिया मैंने रेणुका मुंह पे क्या खाया तुमने, ये गलत है, खा नहीं सकते तुम, पानी पी सकते हो, ये क्लास है। सॉरी मैम, है रेणुका, ये अलाउड नहीं है, डू वट एवर आउटसाइड द क्लास, नॉट इन साइड द क्लास, कैमरा इज ऑन, पूरा एवरीबडी इज वॉचिंग यू। पानी रखो, मैंने पानी पीने की इजाजत दी है, खाना नहीं खा सकते आप। इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड, लैंड टू लैंड, लैंड फॉर्म्स डिटरमिन द टाइप ऑफ सोयल। सोयल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब कहीं से भी गोबर और धरती और पेड़ टूट जाता है, उसमें भी मिट्टी बनता है डीके होने के बाद। इतना तो देखा है तुम लोग, कुछ भी नहीं देखा इधर रह के, मुझे तो सब आता है, मैं तो गांव की लड़की हूँ, सब ऑब्जर्व करती हूँ कहाँ पे क्या है। मिनरल एंड विदर्ड रॉक्स, विदर्ड रॉक्स मतलब बारिश हो रहा है, कुछ पत्थर को पानी में डो के ले गया, फेंक दिया रास्ते में चला गया। और मैं तो पहले बच्चों को पत्थर इकट्ठा करने के लिए बोलती थी, अब लैब ही नहीं रहा तो काय का पत्थर इकट्ठा करना। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोयल फर्टाइल। जमीन का उपजाऊ होता क्या है, सब पत्ते इकट्ठा करो, झाड़ू करके घास उखाड़ो। हम लोग गार्डनिंग में करते थे इसे, एक गड्ढा खोदा उसके अंदर डाला। मेरे फार्म पे ही मैंने देखा था ऐसे करते हुए मैम, मैंने फार्म पे भी देखा था मेरे ऐसे करते हुए। ये क्या कंपोस्ट है, कंपोस्ट हो गया उसको लाके पौधों में दे दो। अरे अभी क्या हुआ, हमारे स्कूल में जो पीछे कोने में पानी रहता ना, पानी कुंड में भर के रखते गैल वाले, गंदा पानी,
फील्ड के पीछे, फुटबॉल फील्ड के पीछे गोल्फ में देखा कि नहीं? नहीं देखा। क्या बात कर रहे हो तुम जहाँ फुटबॉल खेलते हो हम देखा है, उसके पीछे एक पानी जो आता नहीं पाइप में, यस मैम वो देखा है, वही पानी नाली जैसा बना हुआ है। नाली नहीं है भाई, बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है, उसको डूब जाएगा। यस मैम देखा है वो। तो वो पानी कहाँ से आता है तुमको मालूम है? पहले गेल की सब जितने सारे चीजें बॉडी बॉडी करते हैं ना, क्लास कर देते हैं, वो सब आता है कहाँ पता है? इधर पूल के सामने जो गोल गोल कर रहे हैं, जहाँ तुम गाड़ी वाड़ी रखते हो, पूल के बाहर एंट्रेंस में लेफ्ट साइड में है, देखो यस गोल के सामने। ए भगवान, जब चला देते इतना बदबू आता है उसको। उधर पीछे तुम लोग नहीं देखा, पीछे एक जगह है वहां पे वो सब ऐसा मिक्सर जैसा ऐसा घुमाते हैं उसको। मैम देखा है, टॉयलेट वॉयलेट सब गंदी चीजें उसके अंदर टॉयलेट आता है। फिर उसको करने के बाद यहाँ पानी भेजते है कहाँ? स्कूल के पास। वो सब पानी सब ग्राउंड में जाता है, कभी गलती से ग्राउंड में पानी निकलता ना उसको मुंह पे मत लगाना, वो सब वहीं का माल है। तो उन्होंने क्या करा, इसको सफाई करी होगी गर्मी की छुट्टी के में, सफाई करी होगी तो पानी निकल गया उसके अंदर, था माल असली माल उसके अंदर था मिट्टी, वो जो टॉयलेट सब मिट्टी बन गया पानी के अंदर। अभी तुम देखना स्कूल में, तुम लोग अभी क्वेश्चन पेपर आंसर देने आए थे एनुअल में, यस मैम, स्कूल के साइड में एक वो जो खोखो ग्राउंड है उधर तुमने देखा एक फूल का कियारी बनाया लंबा? यस मैम देखा है, यस मैम देखा है। कहाँ से आया वो? नेटवर्क चला गया बेटा, नेट चला गया। मैम 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 ठहरा मैम,
मैम योर माइक इज म्यूट. मैम योर माइक इज म्यूट. सायरा मैम,